Sponsored by Food Adda, Mumbai's famous fast food brand. बस ट्रेन और भीड़ में चोरी करने वाली देवरानी जेठानी गैंग का खुलासा। तीन गिरफ्तार, गैंग की तीन शातिर करती थी हाथ की सफाई। मुंबई कांदिवली पूर्व की समता नगर पुलिस ने ऐसी तीन शातिर महिला चोरनियों को गिरफ्तार किया है जो रिश्ते में देवरानी और जेठानी हैं। ये सभी भांडुप से बोरीवली आकर चोरी कर फरार हो जाती। ये तीनों चोर महिला बस ट्रेन और ऑटो में भीड़ का हिस्सा बनती और मौका देखते ही महिलाओं के पर्स से सोना गहना और रुपया लेकर रफू चक्कर हो जाती। समता नगर पुलिस ने महज एक हफ्ते में चोरी गैंग के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 2.5 लाख सोने के बिस्किट बरामद हुए। दरअसल समता नगर पुलिस में सितंबर महीने में रोहिणी चंद्रकांत आखाड़े ने शिकायत की थी कि कुछ महिलाओं ने बस में उसके साथ धक्का मुक्की करके उसके पर्स से 55 ग्राम का मंगलसूत्र चोरी कर लिया। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर इलाके की सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। समता नगर पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन स्टाफ में पुलिस उप निरीक्षक इंद्रजीत पाटिल आदि ने पूरे इलाके के फुटेज चेक करते हुए चोरनी गैंग के एक सदस्य को भांडुप जाते देखा। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने भांडुप इलाके में जाकर वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिससे कि समता नगर में हुई वारदात की सभी चोर महिलाओं की गैंग दिखाई दी। इसी आधार पर पुलिस ने अनुसैया चंद्रकांत गायकवाड़, मरक्का उर्फ मारूबाई, लक्ष्मण गायकवाड़, बेबी रामू गायकवाड़ को गिरफ्तार किया। नवभारत समाचार मुंबई से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। पांच सितंबर में एक औरत कंप्लेंट देने आई थी, रोहिणी चंद्रकांत आखाड़े। वो औरत घाटकोपर से अपने रिश्तेदार के इधर आई थी कांदिवली में, पांडोंगे बस स्टॉप के इधर वो उधर रुकी थी। वहाँ से उसने रिक्शा पकड़ के वो अपने रिश्तेदार के इधर जा रही थी। तो रिक्शा में उसको पता चला कि उसके बैग में जो 5.5 तोले का मंगलसूत्र था वो नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद वो चौकी में कंप्लेंट देने आई, तो वो जिस बस से उसने प्रवास किया था वो आई थी, उस बस आगे जाके कॉम्प्लेक्स के इधर रुकी थी। तो उधर की हमने सीसीटीवी कैमरे की तहकीकात की, पूरा चेक किया, तो उसमें कुछ औरत उधर उतर के अपना जो साउथ बॉन्ड से रिक्शा पकड़ के तुरंत पीछे जा रहे थे। तो हमने वो उनका सीसीटीवी का फॉलोअप लिया, पूरा फॉलोअप लेते 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 जिस रिक्शा से गए थे वो रिक्शा का नंबर निकाला, उसको ड्राइवर को उससे पास पूछताछ की कि उसको इधर उनको किधर छोड़ा, क्या किया। तो पहले तो वो आर एच एक नगे के इधर गई, उधर से उन्होंने रिक्शा चेंज किया, उधर से दूसरा रिक्शा पकड़ा। तो आगे के भी हमने क्या मेरे चेक किए, तो आगे के भी जो रिक्शे वाला था उसको भी बुला के उसके पास पूछताछ किया। तो उसने बताया कि कुछ तीन औरत को उसने भांडुप में काजू टेकड़ी है, भांडुप में मंगलधरम पेट्रोलियम के पीछे काजू टेकड़ी है, उधर जाके उनको छोड़ा था। तो हमने उधर जाके वो एरिया के पूरे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, वो किधर गई थी, क्या गई थी, कौन से ज्वेलरी शॉप में गई थी, क्या गई थी, सब पूरा तहकीकात करने के बाद हमको तीन औरत के नाम मालूम पड़े, जिनके नाम है अनुसया चंद्रकांत गायकवाड़, दूसरी है मारक्का लक्ष्मण गायकवाड़ मारूबाई, और तीसरी है बेबू रामू गायकवाड़। ये तीनों का ये इसमें उनका जो निष्पन्न हो रहा था, तो वो तीनों को हमने अरेस्ट किया है, और तीनों के पास से वो पूरा जो 55 ग्राम का मंगलसूत्र है वो हमने हस्तगत किया है। हाँ, कुछ नाम पे एक दो सीआर दिखा रहे, अभी पूरा तहकीकात किया नहीं, और जानकारी हम ले रहे। इस तरह की चोरियां क्यों करते थे, लूटपाट ऐसे करते? इनका ये चलता रहता है, कोई ट्रेन में कोई बस में जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है उसमें जाके उनको मालूम है कि जो या पॉकेट या पर्स में सोना पैसा जो हाथ में मिले वो लेने का वो उनका चलता रहता है, रिकॉर्ड किए वो हैबिचुअल है। क्या करते हैं तीनों महिलाएं? तीनों महिलाएं कुछ नहीं करती, ऐसा ही यही काम है उनका।